अर्थात जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा, तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम जी का दर्शन सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हित कर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहे हैं। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने लगी। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी यानी हरिण किसी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची यानी इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परिछन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सियाराम।